हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात 3 आईएएस, 3 आईपीएस और 7 एचएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए थे। पहली बटालियन जुनगा के कमांडेंट संजीव कुमार गांधी को पुलिस अधीक्षक शिमला लगाया गया है, जबकि डॉक्टर मोनिका को एसपी शिमला के पद से बदलकर जुनगा बटालियन में कमांडेंट लगाया गया है। इसी बीच पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो दायित्व पुलिस प्रशासन पर है उसको सुनिश्चित करना, रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करना। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे और जोरदार कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एज एएसपी मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले कि आई वांट टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल पुलिसिंग, जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो हमारे ऊपर दायित्व होता है हम उसको सुनिश्चित करें। साथ साथ में आज के दिन में कुछ कंसर्न्स हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम काम करेंगे। और ड्रग अब्यूज, सब्सटेंसेस अब्यूज का जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग पैडलर्स जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, उन लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, जोरदार कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए मैटर्स में ये भी एक संवेदनशील विषय है कि बहुत से जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो विक्टिम हो गए हैं, तो उन विक्टिम्स को कैसे रिहैबिलिटेशन में लेके जाना है, उसके लिए क्या प्रपोजल होनी चाहिए, उस दिशा में भी काम करेंगे। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, तो साइबर क्राइम, बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कैसे टैकल करना है, उसमें हमारा पुलिस बल कितना खुद इन्वेस्टिगेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करेंगे और साथ साथ में लोगों को भी अवेकन करेंगे, अवेयर करेंगे। सिटीजनरी की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करें, लोगों के साथ हम सेंसिटिव तरीके से व्यवहार करें और उनकी प्रॉब्लम को जो है वो डीप सेंसिटिविटी के सेंस के साथ जो है लें और उनको रिड्रेस करें। शिमला में सबसे बड़ी चुनौती रहता है ट्रैफिक, मतलब काफी सुधार भी हुआ, काफी प्लान भी हुआ, तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से सुधार करेंगे इसमें? नहीं, ये एक एरिया है जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है रूट के ऊपर, और साथ में इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट करें और दूसरा एस्पेक्ट हमारा है कि हम ट्रैफिक को मैनेज करें। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, पार्किंग का होना जरूरी है और हमारे लोगों का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, आम आदमी, आम शहरी का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है कि सड़क के ऊपर जो रोड के ऊपर जो रोड डिसिप्लिन है, जब हमारे सिटीजन रोड डिसिप्लिन डिस्प्ले करेंगे तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक रेगुलेशन है वो आसान हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ट्रैफिक जैम्स की समस्या है उसमें पुलिस की कितनी पार्टिसिपेशन होगी, किस लेवल तक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और हमारा जो रोड डिसिप्लिन है उसमें सिटीजन्स की कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनको कितना सहभागिता निभानी चाहिए, सभी के समावेश के साथ हम इन समस्याओं का समाधान